जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल फ्री नॉलेज 1998 पर। साथियों, आज हम एएमसी सेंटर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि अभी लॉकडाउन में हुआ था 28 फरवरी को। उसका हम पेपर आज पूरा सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो पेपर है साथियों, ट्रेडमैन का पेपर है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो साथियों, ये पेपर बहुत ही अच्छा पेपर आया था और इसमें बहुत से लोग ने सेलेक्शन भी लिए हैं। तो आप पूरा पेपर में इसका सॉल्व करवाने वाला हूँ, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और साथियों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपने चैनल पर इंडियन आर्मी की बहालियाँ जो आती है, टीए आर्मी रैली भर्ती या बहालियाँ एआरओ जेडआरओ की हो, उनकी वीडियो लेकर आता हूँ। और जो पेपर है इसके पूरे पेपर सॉल्व करवाता हूँ, चाहे ट्रेडमैन के हो, नर्सिंग के हो, चाहे सेंटर के हो, पूरे पेपर सॉल्व करवाता हूँ। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इंडियन आर्मी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेकर आता हूँ अपने चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। इसको ध्यान से आप पढ़िएगा दोस्तों और ध्यान से सॉल्व करिएगा, क्योंकि बहुत से जो क्वेश्चन है आपके रिपीट होते हैं इंडियन आर्मी में, ठीक है। और मैं आपको बताते जाऊंगा कौन से पेपर, कौन से क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर पर आपका जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ साथियों, राजधानी जितनी आपको पूरी याद कर लेना है, क्योंकि आपको राजधानियाँ देखने को ही मिलेगी। अभी मैंने पिछले वीडियो में जीडी का जो पेपर सॉल्व किया था उसमें भी एक राजधानी पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं तेहरान, काबुल, बगदाद, लाहौर। तो साथियों, अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल, ठीक है। तो इसका कौन सा नंबर का आंसर सही हो जाएगा, नंबर सी, काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी इस बार भी पूछा गया है सेंटर में, बाकी आज तक वर्तमान मुख्यमंत्री नहीं पूछा गया है, पहले का पूछा गया था, ठीक है। ये इस बार करंट अफेयर का क्वेश्चन दे दिया गया था इसमें, ठीक है। तो सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमंग। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, नंबर सी, प्रेम सिंह तमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम क्या था। देखिए, रोलैक एक्ट नहीं था, असहयोग भी नहीं था, भारत छोड़ो नहीं था, क्योंकि ये दो, असहयोग और भारत छोड़ो तो महात्मा गांधी ने चलाया था। तो उन्होंने कौन सा चलाया था, होम रूल, ठीक है। एनी बेसेंट और लोकमान तिलक द्वारा आंदोलन होम रूल चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर डैम, कोटा बांध, राणा प्रताप सागर किस नदी पर बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, बांध के क्वेश्चन भी आपके जो पूछे जाते हैं इंडियन आर्मी के पेपर में, ठीक है। तो जो है गांधी सागर डैम तथा कोटा बांध, राणा प्रताप सागर, चंबल नदी पर बनाया गया है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, नंबर ए, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहित नदी खालिस्तान की सहायक नदी है। लोहित नदी जो किसकी सहायक नदी है, देखिए सभी नदी की सहायक नदियाँ होती हैं, तो जो लोहित नदी है वो किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु का कौन सा शहर भारत का निटवियर कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तमिलनाडु आपको सभी को पता है, तमिलनाडु, चेन्नई। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, नंबर सी, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, ठीक है। कई लोग 25 लगा के जाते हैं, पर 25 गलत होता है, अच्छे से इसको कंफर्म कर लीजिएगा। देखिए, कभी भी आप इंडियन आर्मी का पेपर करते हो तो ज़्यादा घबराइएगा नहीं, आप बड़ी सहूलियत से पेपर कीजिएगा, आपको पूरे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 ईयर। तो कौन सा आंसर सही होगा, नंबर बी, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊँचा पठार कौन सा है। देखिए, कई लोग जो है छोटे नागपुर का पठार लगा के जाते हैं, ठीक है, जो कि एमपी में है। तो जो ये जो है वो गलत है, ठीक है, बहुत गलत क्वेश्चन है, बहुत गलत आंसर करके आ गए हैं बहुत लोगों ने। एएमसी का सेंटर में जो मेरा फ्रेंड भी गया था, उसने भी ये छोटा नागपुर का पठार टिक करके आया, ठीक है। फिर मैंने उसको बताया कि इसका आंसर क्या रहने वाला, दक्कन का पठार, ठीक है। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार है। तो कौन सा सही हो जाएगा, नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रथम भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। सबसे पहले जो पहली अभिनेत्री वो नरगिस दत्त थी, जिसको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इसका कौन सा जाएगा, नंबर बी, नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दसवें नंबर का क्वेश्चन है, रबर की वल्कनीकरण के लिए रबर में क्या मिलाया जाता है। साथियों, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी हूँ, और जो अब मैंने अपने
चैनल पर क्वेश्चन भी डाला था, शॉर्ट भी बना के डाला था उसका कि रबर की वनकलीकरण के लिए रबर में क्या मिलाया जाता है। तो देखिए वो क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ भी है, तो क्या मिलाया जाता है उसमें, सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, नंबर सी सल्फर। साथियों मैं अपनी वीडियो अपने चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी लेकर आता हूँ जो कि इंडियन आर्मी में आने की बहुत संभावना रहती है, तो आप वो क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, पेपर भी लेकर आता हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आने की संभावना रहती है वो भी लेकर आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11वें नंबर का, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त को हुआ था और 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये डेट आपको याद रखना है, कभी आपको डेट भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो करो या मरो का नारा जो है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ठीक है, मैंने आपको डेट भी बता दिया हूँ कब होता है और इसका कौन सा सही हो जाएगा, नंबर ए नंबर का आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया आर्मी के पेपर में। ठीक है, तो कौन से भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है, सिक्किम में नहीं है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप याद कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है उनके गुरु कौन थे, तो उनके गुरु थे अलार कलाम। ठीक है, अलार कलाम इसके गुरु थे, तो इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, नंबर ए नंबर का अलार कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 14 नंबर का, इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों के काटने से नहीं होती है। ठीक है, आप सभी को पता है डेंगू भी होता है मच्छर के काटने से, चिकनगुनिया भी होता है और जीका फीवर भी होता है, तो कौन सी बीमारी नहीं होती है, जॉन्डिस। ठीक है, मच्छर को काटने से जॉन्डिस बीमारी नहीं होती है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, नंबर सी जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ये साथियों आपके आप यदि लूसेंट उठाकर देखिएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत से देखने को मिल जाएंगे, तो आप इनको याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये अनुसंधान केंद्र आपको पूछे ही जाते हैं आर्मी के पेपर में। ठीक है, तो देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ट्रांबे मुंबई। ठीक है, क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए ट्रांबे। तो ये पहला सेशन आपका ख़त्म होता हुआ जिसमें जनरल जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों बी नंबर के सेक्शन में आपको दिया हुआ है रीजनिंग, देखिए तर्क शक्ति 16 से 20 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन आपके जो है रीजनिंग के दिए हुए हैं इसमें। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मैं एक बार इसको और अच्छे से वो कर लेता हूँ, अब करते हैं सॉल्व। TOM को 48 लिखा जाता है और DICK को क्या लिखा जाता है, 27। तो ये बोल रहा है कि HARRY को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्या इसका क्या आंसर, मतलब इसको क्या लिखा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप T का कितना होता है और M का कितना होता है और O का कितना होता है, तो आप इनको टोटल इनके नंबर जोड़ेंगे तो इनका क्या होने वाला है, 48। ठीक है, तो आपको इन सभी का योग करना है। तो ठीक है, यहाँ पर हरी का आप देख लीजिए, HARRY हरी, तो H का कितना होता है, 8 होता है, प्लस कर देंगे। ए का कितना होता है, 1 होता है। R का कितना होता है, 18 होता है, ये R का कितना होगा, 18 होगा, और Y का कितना होगा, 25 होगा। इन सभी को टोटल कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका क्वेश्चन में 70 है क्या, यस, तो इसका कौन सा आंसर सही रहने वाला है, 70, नंबर बी नंबर का आंसर इसका सही रहेगा, 70। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प ज्ञात करें, ड्रिल, सूखा, छलनी। ड्रिल में सुराग होता है, ठीक है, सुराग, ड्रिल से सुराग होता है, और छन्नी जो है वो काहे का काम करेगी, छानने का, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, नंबर डी छानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, दिए गए विकल्पों में से भिन्न कौन सा है। ठीक है, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, यंगून। तो साथियों देखिए दिल्ली भी एक किसी की राजधानी है, मुंबई भी राजधानी है, बेंगलोर भी राजधानी है, और यंगून जो है वो किसी की राजधानी नहीं है। ठीक है, तो यंगून किसी की राजधानी नहीं है, तो सबसे डिफरेंट इसमें क्या दिख रहा है, यंगून। तो 18 नंबर का जो आंसर रहने वाला है वो डी नंबर सही रहने वाला है, वो क्या रहेगा, यंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पहले का अंतिम है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले का अंतिम है तो साथी का क्या होगा। देखिए पहले का अंतिम है तो साथी का क्या होगा, आपका विरोधी। ठीक है, तो क्या आंसर रहने वाला इसका,
नंबर डी विरोधी। तो नंबर डी नंबर किसका आंसर सही हो जाएगा, विरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का, ये इंग्लिश में वर्ड दिया हुआ है। इन करेक्शंस में से निम्नलिखित शब्दों में के विकल्पों में से कौन सा विकल्प नहीं बन सकता। देखिए यहाँ पर जो पूरे वर्ड दिए हुए हैं इसी के रिलेटेड दिए हुए हैं, इसमें भी दिए हुए हैं, इसमें भी दिए हुए हैं, आप मिला लीजिएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या इस वर्ड में आपको एल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर एल दिया हुआ है, तो इसका क्या आंसर रहेगा, नंबर सी ये आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो ये बी सेक्शन आपका खत्म होता हुआ अब नेक्स्ट सेशन हम चालू करते हैं साथियों। अब ये रहेगा अपना सी सेक्शन जिसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए आपका विज्ञान के क्वेश्चन इसमें बहुत ईजी पूछे जाते हैं, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बस हो गया, उतने ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, पर बहुत लोग इसमें क्या है कि गलत करके जाते हैं, ठीक है। साइंस के वीडियो मैंने अपनी चैनल पर डाला हुआ हूँ, आप देखिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा उससे नहीं आते, बाहर के ज़्यादा हार्ड साइंस नहीं पूछी जाती आर्मी के पेपर में, नॉर्मल से नॉर्मल साइंस पूछी जाती है, ठीक है। मैं उसके वीडियो भी लिख कर आता हूँ अपने चैनल पर, आप देखिएगा ज़रूर साइंस के। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें 21 नंबर का, डॉक्टर किसी मरीज की नाड़ी की जाँच क्यों करता है, खून जाँचने के लिए, आँख जाँचने के लिए, वजन जाँचने के लिए, और हृदय गति जानने के लिए, ठीक है। आप भी बीमार पड़े होंगे, आप सभी को पता है कि डॉक्टर जो है नाड़ी क्यों जाता है, अपने हृदय की गति जानने के लिए, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही रह जाएगा, नंबर सी ऑप्शन इसका सही रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4 एक क्या है, ठीक है। H2SO4 जो है साथियों एक अम्ल है, ठीक है, अम्ल राज भी इसको कहा जाता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, नंबर बी अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड पेंसिल में लेड की मात्रा का अनुपात कितना होता है, जो लेड पेंसिल है उसमें लेड की मात्रा का अनुपात जो है साथियों जीरो होता है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, नंबर ए जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से आता है, मतलब कौन से फेफड़ों से आता है, बोला उसने दाहिने वेंट्रिकल से, बाएं वेंट्रिकल से, दाहिने ऑट्रियम से और बाएं ऑट्रियम से। तो साथियों जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो बाएं ऑट्रियम से आता है, ठीक है। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, नंबर डी नंबर का इसका आंसर सही हो जाएगा, बाएं ऑट्रियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी का सूर्य की ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है आर्मी के पेपर में, ठीक है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना कहलाता है परिक्रमा, कई लोग परिभ्रमण भी लगा के जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो सूर्य पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, नंबर सी का परिक्रमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्राणी अपने पूरे जीवन में पानी नहीं पीता है, ठीक है। कौन सा प्राणी है जो अपने जीवन में पूरे जीवन में पानी नहीं पीता है, तो वो प्राणी है साथियों कंगारू रेट, ठीक है। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, नंबर सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, कंगारू रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशील है, ठीक है। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, तो मैंने अपने साइंस के वीडियो में आपको ये क्वेश्चन बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं साइंस के वीडियो में, आप देख लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, अच्छे क्वेश्चन है उसमें, आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, ठीक है। ये 27 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो आपका आंसर रहने वाला है AU, ठीक है। तो कौन सा आंसर है, नंबर बी इसका आंसर करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूहा मारने वाले जहर का रासायनिक नाम है, चूहा मारने वाले जो है रसायन का नाम पूछा गया है कि इसका रसायन कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो है आपका आंसर रहने वाला है, बहुत से लोगों ने पोटेशियम साइनाइट लगा के आए थे इसमें, जब पेपर दे के आए थे तो पोटेशियम साइनाइट में लगा के आए थे, बट साथ ही उसका पोटेशियम साइनाइट नहीं रहेगा, इसका जो है आंसर रहने वाला है जिंक फास्फाइट रहने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक फास्फाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का क्वेश्चन है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने 10वीं में बहुत बार पढ़े होंगे, और अभी भी यदि आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हो तो इसमें भी आपने बहुत बार पढ़े होंगे क्वेश्चन को। फलों को पकाने के लिए सिंपल है, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, नंबर ए, फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छी तरह से कटा हुआ हीरा अधिक चमकता है क्योंकि इसकी कई प्रतिबिंब सतह हैं, वह प्रकाश का उत्सर्जन करता है अधिकतम आंतरिक प्रतिबिंब के कारण और अनियमित प्रतिबिंब के कारण। साथियों आप सभी को पता है यदि आप हीरा जो है सो किधर भी रखेंगे तो वो आंतरिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, अधिकतम से अधिकतम।
तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला है वो रहेगा अधिकतम आंतरिक प्रतिबिंब के कारण, नंबर बी आपका आंसर सही रहने वाला है। तो आपका क्या हो जाएगा, अधिकतम आंतरिक प्रतिबिंब के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से तापमान में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना बराबर का होता है। ये क्वेश्चन ही मैंने ये पेपर होने से पहले ही बताया था, अपने वीडियो में लाया था कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है करके, ठीक है। और वो क्वेश्चन आपको देखने को मिला भी था इसमें। तो जो है दोस्तों, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर होता है -4 डिग्री सेंटीग्रेड के, ठीक है। जैसे कौन सा सही हो जाएगा, नंबर डी का आंसर सही हो जाएगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका ये सी सेक्शन कंप्लीट होता हुआ, अब आपका लास्ट सेक्शन रह गया जिसमें आपका मैथ्स पूछा जाता है। तो साथियों, डी सेक्शन आपका चालू होता हुआ 35 से 50 नंबर तक आपके डी सेक्शन रहेगा, और ये इसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग जो हैं इंडियन आर्मी के पेपर में बहुत बड़ी गलती करते हैं कि पेपर देख के घबरा जाते हैं और वो सबसे पहले मैथ्स खोल लेते हैं। देखिए, मैथ्स को आप जितना कठिन समझते हो उतनी है नहीं है। इंडियन आर्मी के पेपर से नॉर्मल मैथ्स पूछी जाती है आपकी 10th लेवल की, और जो साइंस भी है आपकी वो 10th लेवल की पूछी जाती है, ठीक है। तो आप घबराए ना, आपसे सबसे पहले जो उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को करें तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि नहीं यार मेरे इतने क्वेश्चन बन गए हैं करके। उसके बाद आपका जो है आप नेक्स्ट प्रक्रिया करा करो जो उनसे आपके नहीं बनता है, ठीक है, उसमें आप दिमाग लगाया करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 450 सेब में से 30% सेब खराब हो गए, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, जो आंसर है आपके क्वेश्चन में छिपा हुआ है। इसमें क्या बोला है कि 450 सेब में से 36 नंबर का क्वेश्चन है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। हाँ, 36 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है 450 सेब में से 30% सेब खराब हो गए हैं, इनमें से अच्छे सेबों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए, 450 सेब थे अपने पास, ठीक है, 450 सेब हैं। तो क्या बोल रहा है कि 30% सेब खराब हो गए, तो अपने पास कितने सेब बचे, 30% खराब हो गए, 70% सेब अपने बचे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको प्रतिशत निकालना है, तो 100 का आपका गुणा करना है, 100 से 100 काट दीजिए और 100 से 100 काट दीजिए, 7 का जो है 5 45 में गुणा कर दीजिए। तो आपका जो है कितना आंसर आ जाएगा, 7 × 35 = 5, हासिल का 3 × 7 = 28, 28 और 3 कितने हो गए 31, तो 315। तो आपका क्या आंसर होने वाला है, आपका 315 आंसर करेक्ट रहने वाला है। सेबों की संख्या क्या थी इसमें, अच्छे सेबों की संख्या 315, ठीक है, डी नंबर का आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न श्रेणी को पूरा कीजिए। क्या श्रेणी दी हुई है, 1, 4, 9, 16, 25, 36। आपको इसमें सिंपल सा दिख रहा होगा, देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट श्रृंखला क्या आने वाली है, 7 का स्क्वायर। तो इसमें आपका क्या आंसर रहने वाला है, 49। तो नंबर डी का आंसर सही रहेगा आपका, 49 आंसर सही रहेगा, ठीक है साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ए बराबर बी है, ठीक है, यदि ए बराबर बी है तो 16 a - b का मान ज्ञात करिए। आपका ये दिया हुआ, ठीक है, नॉर्मल इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसा करना है इसको, देखिए ए बराबर बी दिया हुआ है, ठीक है, ए बराबर बी 16 है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए a बराबर 16 है, देखिए a बराबर, एक मिनट में, हाँ a बराबर b दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है साथियों, 16 ab, ठीक है 16, और यहाँ पर a के a बराबर b बोला या b बराबर a, दोनों कोई भी बात आप रख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 - 1 कर दोगे 0 हो जाएगा, आप 1 भी रख सकते हो, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 का यदि 16 में गुणा करेंगे तो क्या 0 ही तो आएगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है आपका, 0। तो इसका कौन सा आंसर होगा, नंबर डी नंबर का आंसर सही जाएगा, नंबर डी 0 आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कॉमेंट्स में, कॉमेंट्स बॉक्स पर कॉमेंट्स कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन सही गलत है या फिर सही आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं इसका कॉमेंट्स में ही आपका आंसर सही बता दूंगा, ठीक है, और सॉल्व भी बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 1/3 करने पर 70 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका 2 ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको 2 तरह से कैसे कर सकते हो, ठीक है। कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 49 नंबर का क्वेश्चन है आपका। देखिए कैसा करना है इसको, एक संख्या को 1/3 करने पर, अपने एक संख्या को 1/3 कर दिए, ठीक है,
करने पर 70 प्राप्त होता है, 70 प्राप्त भी हो गया। तो संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। तो एक संख्या को एक तिहाई कर लिए अपन, यहाँ पर एक्स मान लिए एक संख्या को, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे इनका, तो एलसीएम 3 आ जाएगा। एलसीएम 3 आने के बाद अपन इसे भाग कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 का यदि इसमें भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 3 ही आएगा, ठीक है। और 3 का 3 में भाग जाएगा, एक बार गया, ठीक है, तो एक बार जाएगा, बराबर 70। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, 3 में से एक घटाए तो 2 आएगा, और नीचे 3 है, बराबर 70, ठीक है। आप यहाँ से 2 से काट दीजिएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीया 6, 1 बचा 2 पंचे 10, ठीक है, 35 आ गया। अब 35 का जो है इसमें गुणा कर दीजिए 3 का, ये 3 आपका नीचे बचा था, तो 3 में गुणा कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5 तीया 15 की 5, हासिल का 1, 3 तर का 9 और 1 10, 105, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में 105 दिया हुआ है, जी हाँ, 105 नंबर डी का आंसर सही रहने वाला है, 105 आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, 135 और 137 का औसत ज्ञात कीजिए। सिंपल है साथियों, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना है, इन तीनों का योग कर दीजिए, इस बीच में प्लस कर दीजिए इनका, प्लस करने के बाद आपको भाग देना है 3 का, सिंपल है। यदि आप तीनों को प्लस कर दीजिएगा तो इसका टोटल आपका 405 आने वाला है, और आप 3 के भाग दे दीजिएगा तो इसका सिंपल 135 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, 135 आंसर है इसका, आंसर क्या हो जाएगा नंबर सी 135। 40 का आंसर क्या होगा, नंबर सी 135। अभी भी बोल रहा हूँ, जो सा क्वेश्चन समझ में ना आए कॉमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको कॉमेंट्स में इसका सॉल्व दे दूँगा। तो इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप दिमाग से ही कर लोगे, पेन चलाने की ज़रूरत भी नहीं है। दो पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, अगर दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ए कितने में भर रहा है, 20 में, और बी कितने में भर रहा है, 30 में। ए 20 में भर रहा है और बी जो है 30 में भर रहा है, ठीक है। दोनों का कितना कार्यक्षमता हो गई, 60 हो गई, ठीक है। एलसीएम इनका क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यदि एलसीएम करेंगे तो ये आप इसको काटेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का योग कर लीजिएगा, कितना कार्य क्या हुआ, 5, पूरा योग में 5 कर लीजिएगा, पूरा युग को पूरा कार्य कितना है 5, और ए बी के द्वारा कार्य कितना किया गया है, 5 कार्य किया गया है, और टोटल कार्य 60 था। भाग कर दीजिएगा आप तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 12, ठीक है, 12 आंसर इसका रहने वाला है। आप ऑप्शन में देख लीजिएगा 12 है क्या, यस 12 मिनट आपका दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 42 नंबर का है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि गणित विषय की परीक्षा में कोई भी विद्यार्थी 180 अंक के साथ प्रथम स्थान में कुल 30% अंक लेके आता है, तो 150 अंक के दूसरे प्रश्न पत्र में वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि उसका कुल प्राप्तांक कम से कम 50% हो जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी बढ़िया तरीके से करेंगे, देखिए क्या बोला है, 180 अंक का प्रथम प्रश्न पत्र था, ठीक है, 30% आप वो क्या लेके आता है, मार्क्स लेके आता है, 30% मार्क्स लेके आ गया। पेपर कुल को कितना 100 का था, आप इसको काटेंगे तो सिंपल है, 100 से 100 कट जाएगा, 1 से 1, 18 तीय कितना होता है, 54, इसका आ जाएगा 54। तो ये हो जाएगा 180 लेके आया था, 30% का 54 मार्क्स है, और क्या बोला है, 150 प्रश्न पत्रों में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करेंगे, उसे प्राप्तांक कम से कम 50% हो जाए। 150 करेंगे तो हम अपना प्राप्तांक भी 150 रख लेते हैं, और आप फिर 100 से इसका भाग दे दीजिएगा, ठीक है, आप 100 ये काट दीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा, 75 आपका आंसर रहने वाला है। 50 से करना है, सेकंड बार मैंने 150 लिख दिया, 50 से करना है आपको, ठीक है, मैं एक मिनट आपका जो है इसमें 50 से करना है, ठीक है, 50 से ही करना है, मैं इसमें गलत कर दिया, 50 से ही करना है, यहाँ 50 दिया हुआ, ये देखिए 50% कम हो गए, तो 150 गुणित 50 ही कर लीजिएगा, तो आपका 75 आ जाएगा, ठीक है। 75 आने के बाद आपको क्या करना है, 150 में से आपको माइनस क्या कर देना है, 75 कर देना है, ठीक है। 150 में से माइनस 75 कर दोगे तो आपका सिंपल है, 75% आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन में दिया होगा आपको 75, तो देखिए यहाँ 75 दिया हुआ है, 75 इसका आंसर सही रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा, नंबर बी 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शुद्ध वर्ग नहीं है, सिंपल है, देखिए 100 10 का स्क्वायर है, 3 81 3 का स्क्वायर है, 4 121 किसका है,
सभी के स्क्वायर हैं 121, सिर्फ क्यूब है ये, ठीक है, क्यूब है, 18 किसी का नहीं है, ठीक है, तो 18 किसी का क्यूब नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा जिसकी परिधि 50% बढ़ जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 50% बढ़ जाती है, आप मानते हो कि 100% रहती है, 50% बढ़ जाती है तो 150 हो जाएगी। अब आप बताइए, यदि उसकी परिधि बढ़ रही है तो क्या त्रिज्या नहीं बढ़ेगी? त्रिज्या बढ़ेगी, तो आपको क्या करना है, 150 × 150 करना है इसका, और बटे में 100 कर देना है, ठीक है, 100 × 100 × 100 × 100 कट जाएगा, आप गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 225 आपका हो जाएगा, ठीक है, 225 आपका ये हो जाएगा, और 225 में से आप क्या कर दीजिएगा, 100 को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, 225 में से आप 100 माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि परसेंट निकालना है उसका, कितना परसेंट बढ़ जाएगी बोल रहा है, बढ़ गई थी, आपको 100 कम करना है, तो 100 कम कर दीजिएगा, तो आपका क्या कितना आंसर जाएगा, 125 आपका आंसर रहने वाला है, तो इसका बी आंसर सही रहेगा, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी देखिए आप वैसा ही इसको कर लीजिएगा। कमला ने एक संतरे का 3/5 हिस्सा खाया है, उस संतरे के शेष हिस्से को मीनू ने खाया, संतरे का कितना हिस्सा मीनू के द्वारा खाया गया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप ये पता लगाइए, 3/5 हिस्सा खाया गया है इसका, ठीक है, 3/5 हिस्सा खा गया, 3/5 खा गया, तो 3 में 5 में 3 गया, तो 2/5 हिस्सा बचा, ठीक है, तो यही आपका आंसर रहने वाला है, 2/5 हिस्सा जो आपका शेष बचा है मीनू को द्वारा खाया गया है, तो इसका देखिए 2/5 आंसर सही है, तो इसका क्या आंसर जाएगा, नंबर डी क्या हो जाएगा, 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अजय और विजय के आयु का अनुपात 3:4 है, 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा, विजय की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको भी आप आराम से कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ये हो गया अजय, ये हो गया विजय, ठीक है, विजय का कितना है, आयु का अनुपात क्या दिया हुआ, विजय का 3 दिया हुआ है, और इसे कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो, विजय और अजय की आयु का अनुपात 3:4 है, तो हम इसको 3:4 लिख लेते हैं, 3:4, ठीक है, वो बोल रहा है 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है, ठीक है, इनकी आयु अपन x में रख लेते हैं, तो 3x कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है, तो आप क्या कीजिएगा, 5 ईयर इसमें आप काउंट करिएगा, 5 और यहाँ पे प्लस 5 कर दीजिएगा, 5 साल के बाद बोल रहा है उनका आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है, ठीक है, तिर्यक गुणा कर दीजिएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की संख्या प्राप्त होगी, 15x प्लस 25 बराबर 16x प्लस 20, ठीक है, 15x से 16x गया तो आपका क्या बचेगा, x बचेगा, और 25 में से 20 गया तो आपका 5 बचेगा, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और आपकी किसकी आयु निकालनी है, आपको आयु विजय की आयु निकाली, विजय की आयु कितनी है, 4x विजय की आयु है, तो x के स्थान पर आप 5 रख दीजिएगा, तो 5 × 20, ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 20 आंसर इसका रहने वाला है, ठीक है, ऑप्शन में देखिए आपका 20 दिया हुआ है, यस, ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिसके वर्ग का अंतर 84 है, ठीक है, नॉर्मल है, 2 ट्रिक बताऊँगा इसमें, इस क्वेश्चन की, 2 क्रमागत संख्या का योग क्या होगा, तो 84, ठीक है, आपको सिंपल ले लेना है 2 क्रमागत संख्या, ठीक है, 2 क्रमागत संख्या आपको क्या लेना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2x² प्लस 4x² बराबर 84, आप ये लोगे तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर 4x² आप इसको घटे, यहाँ माइनस रहेगा, 4x² से 2x² घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2x आपका रहने वाला है, ठीक है, वो रहेगा 2x आपका रहेगा, 84 आपका रहने वाला है, तो इसमें आप 2 का भाग दे दीजिएगा, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 42, ठीक है, 42 आने के बाद आपका जो 42 ही आंसर रहने वाला है, ठीक है, आप माइनस कर दीजिएगा, तो 2 क्रमागत संख्या आपका 2x² और 4x² 2 क्रमागत संख्या हो गई, और आपका जो है 84 बचेगा, 84 का आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 42 आपका आंसर रहने वाला है, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, देखिए 2 क्रमागत संख्या बोला है, एक आप 20 मान लीजिएगा और सेकेंड आप 22 मान लीजिएगा,
20 का स्क्वायर करोगे तो क्या कितना आ जाएगा आपका, 400 आ जाएगा, और 22 का करोगे तो 484 आ जाएगा, और आप सिंपल इसको माइनस करोगे, इसको वो करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 84, ठीक है, 84 आ जाएगा, और इसमें आप माइनस करोगे तो 42 आ जाएगा। तो देखिए क्रमागत संख्या बोला है कि दो संख्या, क्रमागत संख्या बोला जिनका योग 84 होना चाहिए, तो 42 के यदि डबल वाला योग करोगे तो कितना आएगा, 84, और ये संख्या करोगे तो आपका ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था साथियों, मैंने आपको बता दिया दोनों तरीका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि दो कोणों का योग 180 हो तो कोण क्या क्या कहे जाएंगे। सिंपल है दोस्तों, दो कोणों का यदि 180, दो कोणों का योग 180 होगा तो वह पूरा कई कोण कहलाएंगे, क्योंकि पूरा बन जाएगा कोण, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2x होल ऑफ ट्वाइस एक्स माइनस 1 बराबर माइनस 3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप कर लीजिएगा 2x अपॉन एक्स माइनस 1 दिया हुआ है बराबर क्या दिया हुआ, माइनस 3। तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम करोगे तो आपका यहाँ पे 2x ही रहेगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1, ठीक है। 3x आप इधर वैल्यू पुट कर दीजिएगा, एक और यहाँ पर प्लस 3 रहेगा, ठीक है, आपका ये रहेगा। x की वैल्यू वाले एक तरफ पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे क्या आप, आपका क्या बचेगा, यहाँ पे आपका माइनस रहेगा, यहाँ पे देखिए आप माइनस था, ठीक है, माइनस था तो यहाँ माइनस रहेगा, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2x बराबर माइनस 3, ठीक है। माइनस यहाँ माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, तो 3 और तो 5 हो जाएगा, 5x बराबर 3, तो x बराबर जो है आपका रहने वाला है 5/3 या 3/5, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, यहाँ पर आंसर दिया होगा 3/5, ठीक है, ए नंबर का आंसर सही है इसका, 3/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि 2+3/4 को पारस्पर कीजिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप इसके एलसीएम ले लीजिएगा पहले, और इसका एलसीएम लेकर देखिए 4 आ जाएगा, 4 का 4 में गुणा जाएगा, 4 एकम 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 एकम, यहाँ पे एक बार जाएगा, 4 एकम 4, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसका 4 में आपका 4 में भाग दोगे, 4 एकम 4, और एक ही बार गया, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दीजिएगा, बराबर 8 3 11 11/4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहने वाला है, आपका आंसर दिया होगा देखिए 11/4, तो ये आपका आंसर है नंबर सी, 11/4, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया है, तो ये 50 क्वेश्चन हो गया, सॉरी साथियों एक सेक्शन में भूल गया था आपको अभी कर, ये 3 क्वेश्चन रह गए थे, तो 32 नंबर क्वेश्चन रह गया था अपना, एडम की खोज किसने की थी। तो साथियों जो एडम की खोज है वो किसने की थी, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, मैडम क्यूरी ने, जेम्स चैडविक रदरफोर्ड ने, और जॉन डाल्टन ने। तो साथियों एडम की जो खोज है वो की थी जॉन डाल्टन ने, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डाल्टन, तो डी नंबर का ऑप्शन है उसका सही रहने वाला है, जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, वातावरण बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें खालिस्तान होता है। साथियों ये क्वेश्चन ही मैंने अपने फ्रेंड को बताया हुआ था, ये क्वेश्चन आप अपनी वीडियो पर डाला हुआ था कि ये क्वेश्चन आने वाला है करके, मतलब मैंने आप अनुमानित बताया हुआ था इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे करके, तो ये क्वेश्चन ही फंसा हुआ है। आप इस पेपर के पहले वाले वीडियो आप देख सकते हो कि वो क्वेश्चन आया था क्या नहीं, ठीक है। बादल जो है साथियों आप सभी को पता होगा वहाँ अल्प घनत्व होगा तभी ये बादल ऊपर ठहरे रहते हैं, उसका आंसर क्या रहने वाला है, नंबर सी अल्प घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस कहाँ से प्राप्त होते हैं। यदि यहाँ पर साथियों लाइकेन होता तो यहाँ पर आप लाइकेन ऑप्शन पर सही करते, परंतु यहाँ पर लाइकेन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है काई, ठीक है, लिटमस काई से प्राप्त होता है, तो कौन सा आंसर होगा, नंबर सी नंबर का आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे दृष्टि संबंधी भ्रम माना जाता है। देखिए इस प्रभास मंडल को नहीं माना जाता, इंद्रधनुष को नहीं माना जाता, चांदनी को नहीं माना जाता, मृग तृष्णा को माना जाता है, ठीक है। आप कहीं देखते होंगे रोड पर जाते होंगे तो कभी आपको पानी दिखता होगा, गर्मी के दिनों में बहुत सी चीज दिखते होंगे, तो वो जो है साथ ही मृग तृष्णा का कारण होता है, ठीक है। तो यह मृग तृष्णा आपका क्वेश्चन आंसर सही रहने वाला नंबर डी का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे साथियों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट्स कीजिएगा कि आपको कौन से पेपर का सॉल्व और चाहिए, तो मैं आपको वही नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तो साथियों ये क्वेश्चन पेपर आपने पूरा सॉल्व कर लिया हूँ मैंने, और आपको करवा के दिखा दिया हूँ। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट्स करिए यदि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता हो तो आप कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन का आपका जो है आंसर गलत समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व कमेंट में ही बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपने जल्दी कुछ नए पेपर की लेकर आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथियों ये प्रीवियस पेपर आप जरूर से सॉल्व किया करो, क्योंकि इसमें आपका जो है अनुभव हो जाता है आप किस प्रकार का क्वेश्चन आपको
आने वाले हैं या फिर किस प्रकार क्वेश्चन इंडियन आर्मी के पेपर में आते हैं करके, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।